थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में या किसी कॉन्सल्टेंट या किसी ब्रोकर के बहकावे में आ जाने की वजह से आपका पूरा ज़िंदगी वो बर्बाद हो सकता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है मेडिकल जब प्रोफेशन में हम जाते हैं और स्पेशली जब एब्रॉड के लिए जब हम प्लान करते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले हम वहाँ पे किसी कॉन्सल्टेंट के पास जाते हैं या ब्रोकर के पास जाते हैं एडमिशन रिलेटेड बात करने के लिए। तो वो आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ बताता है जो कि रियली में वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है या रूल के ख़िलाफ़ है। तो अगर इन सारी बातों में आप फंस जाते हैं आ जाते हैं तो शायद बाद में जा कर के आपका पैसा बर्बाद होता है, आपका समय बर्बाद होता है और उसके साथ साथ आपका लाइफ भी स्पॉइल होने के नौबत पे आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं वो फ्रेशर स्टूडेंट जो MBBS करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, तो क्या उन्हें विदाउट नीट जाना चाहिए या नीट का एग्ज़ाम दे करके ही अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में जा करके, या वहाँ पे कंट्री में जब विदाउट नीट आप जा रहे हैं तो क्या आपका एडमिशन वहाँ पे हो पाएगा या नहीं। तो सारा चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे और विथ रीज़न बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले तो उन्हें उतना पता होता नहीं है, और अगर आप किसी कॉन्सल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत ही आसान तरीके से और अच्छा तरीके से समझा देता है। वो ऐसे आपको दर्शाता है कि कॉलेज उसी का है, वही मेन आदमी है कॉलेज का। वो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता है, अपने आप को एक्सपोज करता है आपके सामने कि लगता है कि कॉलेज का मेन HOD या मेन वहाँ का डीन उसके ही अंडर में है, जो वो बोलेगा वही हो पाएगा उस कॉलेज में, या जो वो चाहता है वही आपका एडमिशन करा सकता है, दूसरा कोई नहीं करा सकता। हालांकि अगर नीट के बारे में बात किया जाए, जब से न्यू NMC गजट आया है, न्यू रूल आया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एब्रॉड से MBBS करना चाहते हैं, तो सबसे कंपलसरी है कि आपको नीट का एग्ज़ाम देना है और नीट देने के बाद ही आप वहां पर जाइए। नीट का जो एग्ज़ाम पास करने का मार्क्स है वो अप्रॉक्स 130-150 के आसपास रैंकिंग आता है, वो डिपेंड करता है, हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो ये कोई ज़्यादा नंबर नहीं है। लेकिन कोशिश ना करें कि विदाउट नीट एग्ज़ाम दिए हुए आप विदेश में चले जाएँ। बहुत सारा मेडिकल कॉलेज हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में जो कि विदाउट नीट भी आपका एडमिशन ले लेती हैं, उनको उससे तो कोई मतलब नहीं है। कि आप मान लीजिए विदाउट नीट आप उस कॉलेज में जा रहे हैं तो उसको क्या दिक्कत है, उसको तो पैसा से मतलब है, वो पैसा आप उसको पे कर रहे हैं। आपका डिग्री इंडिया में जाकर वैलिड रहे या ना रहे उससे कोई बहस नहीं है, चाहे कॉन्सल्टेंट या स्टूडेंट या ब्रोकर जो आपका एडमिशन करा रहा है उसको भी उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका फ्यूचर अच्छा रहे ख़राब हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ सोचना चाहिए कि जबकि आपका NMC रूल जब कहता है कि विदाउट नीट आपको विदेश में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, चाहे इंडिया में भी विदाउट नीट एडमिशन नहीं है, तो आप ये गलती क्यों करते हैं कि बिना विदाउट नीट ही जाकर के आप किसी और कंट्री में एडमिशन ले लेते हैं और फिर वहां से ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद अपने पूरा 5-6 साल समय बिताने के बाद अपने पूरा पैसा खर्च करने के बाद जब आप फिर इंडिया में वापस आते हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। जब एग्ज़ाम ही नहीं दे पाइएगा तो आप एग्ज़ाम जब क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा तो उसके वजह से आप प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाइएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका फ्यूचर एक डार्क की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो में बताने का ये है कि बिना किसी चीज़ के बारे में रिसर्च किए पता किए आप डायरेक्ट किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपका लाइफ है, आपका इसमें पैसा लगने वाला है, आपका इसमें समय लगने वाला है। जो भी आप करते हैं सोच समझ के कीजिए, और मेरा एक ही सजेशन है कि विदाउट नीट किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए अब्रॉड में, क्योंकि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपको एडमिशन दे देंगे, आपका पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट कर देंगे, लेकिन लास्ट में जाकर के दिक्कत आपको ही होगा, ना आप इधर करिएगा ना उधर करिएगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका करियर बर्बाद होने पर जा सकता है। तो होप गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उन फ्रेशर स्टूडेंट को जरूर सेंड कीजिएगा वीडियो ताकि वो भी ये देखे और विदाउट नीट किसी भी मेडिकल कॉलेज में अब्रॉड के लिए वो अप्लाई नहीं करें, वहाँ नहीं जाएं। अगर आपको किर्गिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड कोई जानकारी या आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम या फेसबुक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।